नमस्कार दोस्तों, सुपर प्रेडिक्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। अफगानिस्तान वर्सेज साउथ अफ्रीका 2024 की पहला ओडीआई मैच। अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका के बीच में यूएई की शारजा क्रिकेट स्टेडियम पर वेडनेसडे 18 सितंबर को भारतीय समय के हिसाब से इवनिंग 5:30 PM को खेला जाता हुआ आपको नजर आएगा। तो इस मुकाबले को कौन सी टीम करेगी, अपने नाम साउथ अफ्रीका या फिर अफगानिस्तान, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। वैसे अगर दोनों टीम की हेडकोड की बात करें तो इन दोनों टीम के बीच में अभी तक ओडीआई में से 2 मुकाबले खेले गए हैं। दोनों मैच को कौन सी टीम जीती वो है साउथ अफ्रीका, यानी कि अभी तक अफगानिस्तान टीम साउथ अफ्रीका को ओडीआई में हराने में नाकामयाब रही है। तो क्या दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम फिर एक बार अफगानिस्तान को हराने में कामयाब बन सकती है, या फिर अफगानिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका को ओडीआई में पहली बार हरा के इतिहास रचने वाली है? ऐसे में यार कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी, कौन सी टीम हमें प्रॉफिट दिलाएगी, कौन सी टीम हमें नुकसान में डाल सकती है, क्या रहेगी पिच रिपोर्ट, क्या रहेगी प्लेइंग 11, चलिए सबके बारे में पूरी विस्तार में एक एक करके जान लेते हैं। ये सब चीज जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो यार, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों। ये जो सारा खेल है, जो सारा मेहनत आपके लिए है, हम चाहते हैं हम इस तरह मेहनत करें जो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दिला पाए। उम्मीद करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि टेलीग्राम पर हम सभी क्रिकेट मैच की फाइनल प्रिडिक्शन देते हैं, कौन सी टीम टॉस जीतेगी, कौन सी टीम मैच जीतेगी, कौन सी सेशन में कितना रन बनेगी। हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप सीधे हमारे डिस्क्रिप्शन में आ जाइए, वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, लिंक को क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर हम मैच की बात करें तो ये मैच खेला जाएगा शारजा क्रिकेट स्टेडियम यूएई में। के ऊपर ओडीआई में से 241 मैचेस खेले गए हैं। यहाँ पर टारगेट डिफेंड 131 मैच में हुई है, टारगेट चेस 108 मैच में हुई है, और टाई भी यहाँ पर 2 मैच में हुई है। आपको यहाँ पर साफ दिख रहे हैं चेस से ज्यादा मैच यहाँ पर डिफेंड हुई है। दोस्तों ज्यादा मैच यहाँ पर डिफेंड क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर पहली इनिंग के मुकाबले दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करना बहुत ही मुश्किल होती है। पहली इनिंग की 50 ओवर खत्म होते हुए तो यहाँ की पिच स्लो हो जाती है, यही वजह यहाँ पर दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करना बहुत ही कठिन हो जाती है। पिच यूज होती है, गेंद पुरानी होती है, उस कंडीशन में बल्लेबाजों के ऊपर यहाँ पर गेंदबाज हावी होते हैं। इस कंडीशन में यहाँ पर दूसरी इनिंग्स में कम स्कोर बनते हैं, ज्यादा विकेट गिरते हैं, इसी वजह से चेस वाली टीम ज्यादा मैच में विन नहीं कर पाते, डिफेंड ज्यादा मैच हो जाती है। यहाँ की एवरेज स्कोर 257 तक देखने को मिलती है, ज्यादातर ये स्कोर डिफेंड होते हुए नजर आ जाती है। अगर हम बात करें आज के इस मैच में कितना स्कोर देखने को मिलेगा, हमारे हिसाब से तो कम से कम 240 से 245 के आसपास स्कोर बनती हुई नजर आ सकती है। अगर मान के चले पहली पारी में 140 से लेकर 150 की स्कोर बनती है, ये स्कोर डिफेंड भी हो सकती है, चेस भी हो सकती है। जीत की दावेदारी दोनों टीम के बीच में 50-50 में रहेगी, लेकिन अगर डिफेंड वाली टीम 270-275 की स्कोर बना लेती है, स्कोर में 10 मैच में से 8 मैच डिफेंड होने की संभावना रहेगी। यहाँ की हाईएस्ट टोटल की बात करें तो 7 विकेट के नुकसान पर 364 रन बनाई है पाकिस्तान ने। सबसे छोटा स्कोर जिम्बाब्वे के नाम पर दर्ज है, 10 विकेट के नुकसान पर 98 रन, लेकिन यहाँ पर आपको हाईएस्ट 2 विकेट के नुकसान पर 285 रन देखने को मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये पिच एक लो स्कोरिंग वाली पिच है, यहाँ पर रन भी खूब बनते हैं, लेकिन यहाँ की पिच हार्ड होने की वजह से और यूज होने के बाद स्लो होने की वजह से स्लोअर गेंदबाजों को यहाँ पर ज्यादा सफलता मिलती है, बल्लेबाजों के ऊपर ये हावी हो जाते हैं। ये जो पहला मैच यहाँ पर खेली जाएगी इसमें एक मीडियम स्कोर देखने को मिलेगी। वेन्यू की एवरेज स्कोर के बारे में बात करें तो आपको पहले का 10 ओवर तक 50 से लेकर 55 के बीच स्कोर बनेगी, 20 ओवर तक 90 से 95 की स्कोर, 30 ओवर में 140 के आसपास स्कोर जाएगी, 35 ओवर में 155 से लेकर 60 के आसपास स्कोर जा सकती है, 40 ओवर तक 180 से लेकर 190 के आसपास स्कोर जा सकती है, और निर्धारित 50 ओवर तक आपको 180 के आसपास स्कोर जाती हुई नजर आ सकती है। जो आप लोग इसको सेशन बोलते हैं, आप अगर सेशन खेलना चाहते हैं, सिर्फ सेशन है, टॉस विनर, मैच विनर और भी कई सारे प्रेडिक्शन है जो यहाँ पर बताना सही नहीं है, वो सब कुछ आपको कहाँ पर मिलेगी, हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। बाकी अगर हम बात करें इस मैदान के ऊपर ये दोनों टीम खेले हुए मैचेस के बारे में, साउथ अफ्रीका की टीम इस मैदान के ऊपर 12 मैच खेले हैं, 10 मैच जीते हैं, 2 मैच हारे हैं, लेकिन अफगानिस्तान की टीम इस मैदान के ऊपर 25 मैच खेले हैं, 16 मैच जीते हैं और 9 मैच में इनको हार झेलनी पड़ी है। साउथ अफ्रीका की टीम इस ट्रैक के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रदर्शन करती है, 12 मैच खेलते हुए 10 मैच जीती है, 2 मैच हारी है। और एक चीज दोस्तों, इन दोनों टीम के बीच में शायद ये पहला मुकाबला इस मैदान के ऊपर खेली जाएगी। कौन सी टीम किसके ऊपर भारी पड़ेगी, कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी, वो तो आपको हम थोड़ी देर में ही बताने वाले हैं। उससे पहले चलिए इन दोनों टीम के तरफ से इस मैच के लिए प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या रहेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले साउथ अफ्रीका के प्लेइंग 11 की अगर बात करी जाए, इनके ओपनिंग में टोनी डी जोर्जी के साथ रिजा हेंड्रिक्स दिखेंगे, 3 पे इनका कैप्टन टिम्बा बाबूमा, 4 पे एडन मार्करम, 5 पे ट्रिस्टन शॉप, 6 पे केली वेरेन, 7 पे अंदिल फेलुगबायो, 9 पे नुंगे लिगड़ी, 10 पे ओटेनिल बैटमैन, आखिर के 11 नंबर में आपको नगवा पीटर खेलते हुए नजर आएंगे। इनके अलावा अगर हम अफगानिस्तान के प्लेइंग 11 की बात करते हैं, इनके ओपनिंग में रेमन उला गुरुबाज के साथ रियाज हसन दिखेंगे, 3 पे रहमत शाह, 4 पे इनका कैप्टन हसमतुल्ला साहिदी दिखेंगे, 5 पे अजमतुल्ला उमरजई, 6 पे मोहम्मद नबी, 7 पे गुलबदीन नबी, 8 पे राशिद खान, 9 पे फजलक फारूकी, 10 पे फरीद अहमद मलिक, आखिरी 11 नंबर में आपको ननगिलिया खरोटी नजर आएंगे। दोनों टीम के तरफ से दोस्तों यही प्लेइंग 11 आपको देखने को मिलेगी। मान के चले इनके प्लेइंग 11 में कुछ भी बदलाव होता है, वो नई प्लेइंग 11 की लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, साथ ही फाइनल प्रेडिक्शन भी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अगर हम इन दोनों के आखिरी के 5 मैच की कंपैरिजन करें, अफगानिस्तान की टीम
आखिरी के 5 मैच में से 3 मैच में हारे हैं, 2 मैच में जीते हैं। ये जो 2 मैच ये जीत के आ रहे हैं वो आयरलैंड से जीत के आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की टीम आखिरी के 5 मैच में से इन्होंने भी 3 मैच में हारे, 2 मैच में जीते हैं। लेकिन यार फर्क इतना है, साउथ अफ्रीका की टीम इनका आखिरी का मैच हार के आ रहे हैं, वो भी किससे हार के आ रहे हैं, भारतीय टीम से। अब दोस्तों बात करते हैं मैच विनर की, कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी। वैसे तो साउथ अफ्रीका की ओडीआई में प्रदर्शन बहुत बेहतर होती है, इनके पास बेहतर बल्लेबाज के साथ साथ बेहतर गेंदबाज भी है, लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान की जो बल्लेबाजी है साउथ अफ्रीका से थोड़ी कम है। लेकिन गेंदबाजी की बात करें तो दोनों टीम इक्वल पोजीशन में। आज की जो मैच है साउथ अफ्रीका की 60% और अफगानिस्तान की 40% जीतने की चांसेस है। लेकिन हमारे तरफ से इस मुकाबले की जो विनर टीम रहेगी वो यार और कोई नहीं, साउथ अफ्रीका की टीम रहेगी। हम तो यार साउथ अफ्रीका के साथ जाने वाले, आपके मन में क्या राय, आपके कीमती राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और एक इम्पोर्टेंट चीज, अगर हमें टॉस के बाद ऐसा लगे मैच विनर चेंज करेंगे तो सही रहेगा, तो हम मैच विनर भी चेंज कर सकते हैं। वो नई मैच विनर आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी और टेलीग्राम की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को दिल से एक लाइक और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो यहीं तक, चलिए फिर मुलाकात होगी आप सभी से नेक्स्ट मैच की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।